आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा काली मैल की परत चढ़ गई हो ना, इसको लगाने के बाद 5 मिनट में ही आपका चेहरा इतना गोरा चिट्टा हो जाएगा ना कि आप हैरान हो जाओगे। आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा काली मैल की परत चढ़ गई है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, या आपके चेहरे पे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके हाथों पे, आपके गले पे, आपके गर्दन पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काली मैल की परत चढ़ गई है, हम ऐसे थोड़ा सा रगड़ते भी हैं ना तब भी हमें लगता है कि हमारी गर्दन पे बहुत ही मैल की जो निकलती है ना, इस तरीके से आपको लगता है जैसे हम धूप में जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम चाहे अपने गर्दन को कितने भी अच्छे से साफ़ कर लें, लेकिन जब बाहर जाते हैं, धूप से जब बाहर निकलते हैं ना, यहाँ यहाँ जैसे से गर्दन हमारी काली सी हो जाती है, यहाँ जैसे जो है वो काली सी मैल की परत जो है वो जम जाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मैल हो गई है। चेहरे पे भी ऐसा ही होता है। तो आज का जो मैं नुस्खा लेके आई हूँ ना, ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगा आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे, आपके हाथ पैरों पे अगर इस तरह की काली मैल की परत चढ़ गई तो उसको ये गोरा चिट्टा बना देगा। ये नुस्खा बहुत ही आपको लाभ देने वाला है। लगाने के बाद आपका चेहरा एकदम से गोरा चिट्टा हो जाएगा, आपके हाथ पैर एकदम से गोरे चिट्टे हो जाएंगे, सारी काली मैल की परत निकल जाएगी, एकदम से क्लीन आपके हाथ हो जाएंगे, गला, गर्दन, शरीर एकदम पूरा सार आपका जो बॉडी का कलर है वही चेहरे का कलर हो जाएगा, वही आपके हाथ पैरों का कलर हो जाता है। तो चलिए बनाना कैसे है वो मैं शुरू करती हूँ। लड़का हो, लड़की हो, किसी भी उम्र के हो, आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे का है, खर्चे का मतलब किचन में ही हमें सारा सामान मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और बहुत ही कम समय में 5 मिनट में ही आप अपने चेहरे को निखार सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। दूध कितना लिया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल 5 से 6 चम्मच आपको दूध के लेने हैं। हमें कोई पैक नहीं बनाना है, कोई इस तरीके का हमें अपने, सिर्फ हमें ये दूध लेना है, और इसमें हमने डालनी है हल्दी, 1 पिंच हमने इसमें हल्दी डालनी है। कितनी डालनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी 1 पिंच मैंने ये हल्दी डाली है, ये देखिए आप, ये बस इतनी सी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं डालूँगी मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है ना तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालनी है। ये नुस्खा मैं आपको फर्स्ट टाइम इस अपने चैनल पर दिखा रही हूँ अपनी वीडियो, ये नुस्खा मैंने कभी शेयर नहीं किया, और इसको मैं लगाती रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये लाभ देता है, बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से और कितना लेती हूँ मुल्तानी मिट्टी। बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, कोई पैक नहीं बनाना है। तो ये देखिए आप, इतनी सी लेनी है आपको बस। अब हमें इसका जो है वो घोल तैयार करना है। बहुत ही देखना आपकी मैं कितना ले रही हूँ ना, ये देखिए आप, इस तरीके का हमें चाहिए, पैक नहीं बनाना है हमें, बस इस तरीके का ये सॉल्यूशन बनाना है, जादुई सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इससे आपके चेहरे पे जो निखार आएगा ना, सारी गंदगी आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से अच्छी तरह से इसको, ये देखिए, मिक्स कर लेना है। चलिए सबसे पहले तो अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें। मैंने वॉश कर लिया है, मैंने ना कपड़े भी डाले हैं मशीन में, और साथ साथ में मैं ये नुस्खा भी तैयार कर रही हूँ। तब तक मेरे कपड़े होंगे, फिर मैं बाथरूम में जाके इसको उतारूँगी भी, जो फेस पे लगाऊंगी, नहाऊंगी भी, और अपने गले गर्दन में भी लगाऊंगी। मैं अभी फेस पे दिखाती हूँ आपको कि इस तरीके से हमें लगाना है। तो ये देखिए आप, चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपको अपने हाथ में लेना है ये ना, अच्छी तरीके से इसको जो है अपने हाथ में ऐसे मल लेना, और अपने फेस पे ऐसे अच्छे तरीके से मसाज करनी है, कम से कम 4-5 मिनट, और बहुत ही अच्छे से, जिस तरीके से हम ना अपना फेस धोते हैं ना फेस वॉश से, और अच्छी तरह से उसी तरीके से बस आपने इसको अप्लाई करना है। मतलब कि एक तरीके का ये फेस वॉश ही समझो, कि जिस तरीके से हम फेस वॉश यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे और अच्छी तरह से साफ करते हैं ना, बस वैसे ही आपको लगाना है, और 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी मसाज करनी है। ये देखिए, अच्छा ऐसे भी है ना कि जैसे अगर आप हाथ पैरों पे लगाएंगे ना, जैसे बोलते हैं कि हाथ पैरों के लिए भी कुछ बताओ, तो ये वाला जो नुस्खा है ये आपके हाथ पैरों के लिए भी बहुत बढ़िया नुस्खा है। इसको लगाने के बाद ना आपके हाथ पैर भी गोरे चिट्टे हो जाएंगे। गर्दन पे आप लगा लो, आप गले पे लगा लो, आप पैरों पे लगा सकते हैं। होता है कई बार कि हम अपने पैरों की केयर इतनी नहीं कर पाते हैं, कई जैसे कामकाजी महिलाएं होती हैं, इतना टाइम नहीं होता है, तो आप संडे टू संडे भी अपने पैरों पर इसको ना आधा घंटा, थोड़ी सी आप आधा कर घंटा मसाज करें, और इसको उसके बाद इसको वॉश कर लेना, तो आप देखेंगे कि आपके जो पैर हैं वो भी इतने गोरे चिट्टे हो जाएंगे। हाथों पे आप लगा लो इस तरीके से,
मैं ना इसको गले में भी लगाऊंगी, मैंने तुलसी माला ये डाल रखी है, मैं इसको उतारती नहीं हूँ। अभी मैं बस वॉशरूम में जाऊंगी, नहाऊंगी, उस पे फिर आधा घंटा जो है वो अपने गले या गर्दन पे भी इसके मसाज करूंगी। और आप ना इसको ले जाके बाथरूम में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाथरूम में आप कहाँ इतनी देर बैठोगे, बाहर लगा लिया आपने और उसके बाद फिर अच्छी तरह से मसाज, जैसे भी आपको लगता है, रिश्तेदारी में जाना हो, शादी फंक्शन में जाना हो, आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फेस पे भी, और अब आपको इस तरीके से हाथ में भी लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ना, यहाँ पे काला काला सा हो जाता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप इसको रगड़ के अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है और बहुत ही जल्दी आपको, आप देखेंगे कि इसको लगाने के बाद ना कितना निखार आपके चेहरे पे आएगा। बहुत अच्छा ये नुस्खा है, आप इसको अच्छी तरह से हाथों पे, पैरों पे अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ना इस तरीके की अपने फेस की, अपने कुछ भी, मैं ऐसे इस तरीके से मसाज करने लग पड़ती हूँ, अपनी केयर लग पड़ती हूँ करने, और मेरा माइंड, मेरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। चलो कहीं का कहीं म्यूज़िक सुन लेते हैं, मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ और बस इस तरीके से अपने हाथ पैर, बस अपने फेस की क्लींजिंग करने, फेस पैक लगा लिया, कुछ लगाना हो तो वीडियो शेयर कर दी आपके साथ इसी तरीके से, फिर जिसका असर मेरे को अच्छा लगता है ना, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ इस तरीके। या फिर मैं पता क्या करती हूँ, मैं शॉपिंग करने चली जाती हूँ, लेकिन क्या करती हूँ कि कई बार जो होता है बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी होती हैं, बस क्या करती हूँ कि घूम घाम के आ जाती हूँ और घर में आके फिर बस मूड मेरा ठीक हो जाता है। चलो अपना अपना तरीका होता है ना किसी का भी, कि अपना मूड कैसे ठीक करना है। अच्छा है ना किसी को उल्टा सीधा बोलने से, तो अपना शॉपिंग कर ली, अपनी केयर कर ली, कुछ किताबें पढ़ ली, बस इस तरीके से। ये देखिए आप, अब आपको पता क्या करना है, अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद ना इसको आपने 3 से 4 मिनट अपने फेस पे ऐसे ही लगा रहने देना। आप देखेंगे कि बड़ी अच्छे तरीके से आपका जो चेहरा ना, इतना गोरा चिट्टा हो जाएगा, सारा मैल आपका, गंदगी होगी वो सारी उतर जाएगी, हाथों की, पैरों की, गले की भी। बस अभी जो है वो मेरे कपड़े मशीन में डाले हैं वो भी हो जाएंगे, और उसके बाद ये देखो मैंने काम करते करते अपने जो वीडियो थी वो आपके साथ शेयर भी कर ली, और अपना जो फेस का था क्लींजिंग और ये भी। इनके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर कुछ ऐसी वीडियो बनानी हो उसके लिए तो चलो एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन इस तरह के अगर पैक बनाने हो या कुछ, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है अपनी केयर करने के लिए। मशीन में मैंने कपड़े डाले और साथ साथ में देखो मैं वीडियो भी बना रही हूँ, अभी नहाने जाऊंगी और अपनी फेस की क्लींजिंग भी होगी, और बस इस तरीके से फिर अगर देखो ये अभी बस मैं इसको लगा रहने दो, 3 मिनट के बाद मैं इसको धोऊंगी। आप देखें ये किस तरीके से ये अच्छी तरह से काम करता है। ये बस इसको धोने के बाद ना मॉइस्चराइजर क्रीम कोई भी आप लगा लेना। हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि इसको लगाने के बाद आपको कहीं फंक्शन में जाना है तो आप फेस वॉश कर सकते हैं, कोई केमिकल तो इसमें है नहीं यूज़ किया हुआ, तो आप कोई बड़ी बहुत शर्त नहीं है, पर वैसे ना लगाएं तो अच्छा है। अगर लगाना ही चाहते हैं, ज़रूरी है, लग रहा है कि चिपचिप ज़्यादा हो रही है, तो आप फेस वॉश यूज़ करके अपना डायरेक्ट मेकअप कर सकते हैं। ये देखिए, पर धोने के बाद ना मॉइस्चराइजर क्रीम आप ज़रूर से अप्लाई किया करें। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो बस लाइक करना नहीं भूलना, और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मोनिका द्वारा मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।